कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्ट वर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के जुबली पार्क पहाड़ी पर 19 नवंबर को एक आवेश शेख नाम के लड़के की लाश मिली थी, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही थी। बताया जा रहा था इसकी हत्या की गई है और मुमरा पुलिस ने इस हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी अब कर लिया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और एक 28 साल का आफताब अब्दुल शेख है। ये मुमरा के देवरीपाड़ा के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार नशा करने के दौरान आवेश शेख की हत्या की गई। बताया जा रहा है कि मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके से ये लोग कफ सिरप और सुलेशन लेकर आए थे और पहाड़ की झाड़ियों में जाकर ये बैठकर वहां नशा कर रहे थे, और इसी नशीली कफ सिरप में से 2 बोतल आवेश शेख ने अपने पास छिपाकर रख लिया था। जब ये सभी लोग नशा करने के बाद वहां से उठकर जाने लगे, इसी दौरान आवेश शेख जो 2 कफ सिरप छिपाकर रखा था वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। आफताब और 2 नाबालिग लड़कों ने जब देखा कि कफ सिरप ये छिपा कर रखा था, तो आवेश से ये झगड़ा करने लगे कि तूने कफ सिरप क्यों छिपाया। इसी बात को लेकर इन लोगों में विवाद हुआ और विवाद के दौरान आवेश के गले पर तेज धारदार से हमला किया गया और उसके सर पर पत्थर मारे गए, जिसकी वजह से आवेश की मौत हो गई थी और ये लोग वहाँ से फरार हो गए थे। करीब 4 से 5 दिन गुजर जाने के बाद जो है झाड़ियों से जब बदबू आने लगा, उसके बाद वहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं रफीक खान, इन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुँची थी और शव को बरामद किया था और उसके बाद से ही पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लग गई थी। और आखिरकार अब मुमरा पुलिस ने इस हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं और एक 28 साल का आफताब अब्दुल शेख है। ये अब पुलिस की गिरफ्त में है।